आज है जुम्मा और मस्त जुम्मा की सब मैं कपड़े निकाल रही थी कि ये अभी जा रहे जिम। ये देखो इनका अल्लामा थैला जिम का थैला। मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है और अल्लाह पाक ऐसे ही बच्चे सबको अता करे जो अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को हमेशा अपनी जिंदगी में शामिल रखे। और मैं अल्लाह से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि परवरदिगार हर किसी की बड़ी उम्र में ऐसी औलाद का प्यार और औलाद का सुख और औलाद की छाव अता करे। और आज तो जुम्मा ही है और आपको पता है कि आज सब नमाज की तैयारी, तो अभी मैं उसको वही बोल रही थी कि आज बेटा जल्दी आ जाओ फिर नमाज के बाद हम लोग कहीं निकलेंगे अगर ऐसा रहेगा तो बोला हाँ मम्मी मैं जल्दी आता हूँ। तो बस वो जा ही रहा था और ये मॉर्निंग है मेरी, ये मॉर्निंग का रूप रहता है मेरा। ऐसे दिन में तो आप एकदम थासू वाला रूप देखोगे कि ये सायरा सत्तानी एकदम फाड़ू, मतलब एकदम काटने वाली, अभी एकदम नरम दिल। और ये जो जो उसकी भी सुबह अगर आप देखोगे ना तो असली असलियत उसकी जो होती है ना, जो असलियत वो सुबह ही दिखेगी आपको। जो इंसान होता है ना वो इंसान की जो असलियत होती है वो सुबह ही दिखती है, क्योंकि वो नींद से जगा हुआ होता है और दुनिया में शामिल होने के लिए बस शुरुआत करता है। तो उसकी जो जिंदगी और जो उसकी असलियत होगी वो आपको मॉर्निंग में ही दिखेगी। और आज मैं जा रही हूँ मेरे बच्चों के लिए अच्छी वाली कुकिंग करने के लिए। तो आ जाइए चलिए फ्रिज में देखते हैं। आज मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है पर जुम्मा के दिन हम लोग बहुत अच्छा कुकिंग, मैं तो ऐसे भी हफ्ते में 2-3 बार तो करती हूँ, तो जुम्मा के दिन इसलिए करती हूँ कि सब नमाज पढ़ के सब साथ में खाते। और जब अयूब थे तो हम लोग है ना नमाज के बाद एक ही थाल में खाते थे, और माशाल्लाह एक थाल में और एक फैमिली बैठ के खाने से माशाल्लाह दस्तरखान में बरकत बहुत होती है, ऐसा मुझे अयूब बताते थे। लेकिन पता नहीं 3 साल की जिंदगी में जो पा सकी मैंने पा लिया, बाकी तो मेरे अल्लाह की मर्जी और गरीब नवाज की मर्जी है, बाकी तो कुछ नहीं। एक पाक रिश्ता जोड़ी हूँ और अल्लाह के घर तक ये पाक रिश्ता निभाऊंगी, क्योंकि यहाँ नहीं पकड़ होती अल्लाह के घर। चलिए मैं क्या बना रही हूँ देख लेते। अमित तू भी थोड़ा सा खाएगा ना? हाँ हाँ थोड़ा सा। बट देखो इधर अरबी है, हाँ अरबी है। अरे ये बनाती पापड़ी, ये अपने जो गांव है ना बैंगलोर में अपना जो घर है ना अमित, हाँ हाँ, उसके आंगन में मामी ऐसा छपरा डाले हाँ। और छपरे के ऊपर अपना बेल रहती थी, कभी कभी छोटे छोटे अपन करेले तोड़ते, कभी हम जाते हाँ। ना बेटा ये भी हम लोग के गाँव में ना, ये देखो ये ना अपने जो छपरा है ना गांव में उसके ऊपर है ना नानी, जो तुम लोग तो नानी ही बोलते ना, मेरी मुमानी, ये मेरी मुमानी जो बैंगलोर में, हम लोग विलेज में, मैंने आपको बताया ना हम लोग का छोटा सा गांव है, बैंगलोर सिटी बोला जाता है पर हम छोटे से गांव में रहते, तो गांव में बहुत बड़ा आंगन है हमारा और उसके ऊपर ऐसा छपरा डाले, छपरा मतलब शेड क्या बोलते हैं उसको, शेड डालते है ना। तो गांव में क्या करते है साइड से ऐसी बेल लगाते करेले की और ऐसी छोटी वाली पापड़ी की, तो वो बेल आते हुए ना पूरे से छपरे को पूरा ऐसा कवर कर लेते, तो धूप के टाइम पे कैसे हम लोग उसके नीचे ही बैठते। तो ये हम लोग तोड़ के ताजा ताजा बनाते, कभी कभी करेले भी ताजे तोड़ के बनाते। और जो लौकी होती है ना दूधी, उसका भी हमारे घर में दूधी से ज्यादा बैंगलोर में तुरई होती, तुरई के बेल होते, हमारे घर में तो मोस्टली ये सब बेल रहती है। तो चलिए आज मैं यही बनाती हूँ और बहुत अलग तरीके से, विलेज और मुंबई की मिक्स स्टाइल में, आपको मुंबईया तरीके में गांव का तरीका है पर मुंबईया स्टाइल में। चलिए अब तैयारी करना बहुत सारी और मुझे नमाज भी पढ़ना रहता है, मैं फटाफट जिम जाके आ जाता हूँ। आप जाकर आ जाओ इंशाल्लाह, फिर हम लोग कहीं निकलेंगे तो बताऊंगी मैं आपको। आ जाइए, जैसे मुझे देख के आपको लग रहा होगा कि मैं तैयार हो गई हूँ, सुरमा आज मैंने सुरमा लगाई हूँ,
क्योंकि मुझे नमाज पढ़ना है और अभी लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ क्योंकि लिपस्टिक लगाने वाली हूँ मैं और अमीन ये होने के बाद। एक्चुअली मैं नहीं जाने वाली थी लेकिन पता नहीं सुबह उठने के साथ अमीन ने मुझे पूछा मम्मी दरगाह जाना है और आपको पता है आज जुम्मा है तो बालेशा पीर ही जाती हूँ। और उसके बाद में फिर लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी मैंने तो चाय पी ली थी, जब लक्ष्मी चाय गर्म करके अंदर लेकर आई बेडरूम में कुछ काम कर रही थी तो हाँ बोलते दीदी दरगाह जाऊँ ये ना, तो मैंने क्या बात है आज अमीन भी सुबह बोला तू भी बोलते हाँ मजा आज मन जाला कि तू दरगाह जाऊँ ये, मतलब वो मराठी में मुझे बोल रही थी कि मेरा मन हो गया कि आप दरगाह जाकर आओ। तो मैंने फिर उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊंगी दरगाह, तो फिर इसलिए मैंने हाथ धो के मेरी सारी नमाज की तैयारी कर ली, सारे पकाने की तैयारी कर ली। अब मुझे सिर्फ सालन बनाना है और आज मेरे ये इसके साथ हमने गार्लिक ब्रेड है ना वो खाने का डिसाइड किया क्योंकि मेरे एक पहचान वाले उनकी न्यू बेकरी, एक्चुअली पहले भी है न्यू बेकरी खुली है, तो उन्होंने इतना सारा सामान घर पर भेजा है, जजाक अल्लाह उनको बरकत दे और मैं चाहूंगी दिल से कि अल्लाह उनको इतनी इतनी मतलब रोजी दे, तो आज मैं सालन के साथ वही वाला ब्रेड खाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ क्या बनाने वाली हूँ, चलिए आ जाइए फिर से जो मैं आज बना रही हूँ। और सबसे पहले इसके बोलने के पहले मैं आपको थैंक यू दिल से बोलूंगी बिकॉज आपने करेला और चिकन की जो रेसिपी है बहुत ज्यादा पसंद की। मुझे लाइक का ये शौक नहीं है, लाइक का मुझे परवाह नहीं है, मुझे ये खुशी हुई कि आपने वो रेसिपी शेयर की और आपने इंशाल्लाह इतने सारे लोगों ने अगर देखी है तो मुझे लगता है कि कम से कम आधे लोगों ने तो बनाई जरूर होगी, तो थैंक यू सो मच। उसी की तरह आज मैं अपने मैंगलोर का विलेज वाला खाना जो हमारे घर पे खुद के बेल पे लगी हुई चीजें हम तोड़कर बनाते तो आ जाइए वो भी बताती हूँ आपको। मैंने हमेशा आपको कहा है कि स्मॉल चिकन ही लीजिए, देखा आज भी मैंने स्मॉल चिकन ही ली हूँ, ये भी अक्खा चिकन है और इसी के साथ में ये जो बड़ी वाली पापड़ी होती है ये हर टाइम नहीं मिलती, ये सीजन वाइज रहती है, अभी जैसे ठंडी का सीजन है तो ही आपको ये बड़ी वाली पापड़ी मिलेगी, तो ये है हमारी बड़ी बड़ी पापड़ी। और उसी के साथ में जो मसाले हमारे लगेंगे ये है लंबे कटे हुए टमेटो, लंबी कटी हुई प्याज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ड्राई मसालों में रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और ये गरम मसाला जो हम घर पे बना के रखते हैं, और ये जो पेस्ट आपको दिख रहा है ये है पेस्ट गीला नारियल और थोड़ा सा प्याज, एक छोटा सा प्याज और गीला नारियल का ये पेस्ट है थिक वाला, और सॉल्ट तो आपको पता है लगने ही वाला है। तो चलिए अभी हम बनाने की तैयारी करते हैं बिकॉज अजान हो चुकी है, मुझे जल्दी से ये पका के नमाज पढ़ के जल्दी दरगाह जाना है। जैसे कि यहाँ आप दोनों तरफ देख रहे होगे बर्तन, ये है कढ़ाई, तो कढ़ाई में मैंने तेल ऑलरेडी डाल दी हूँ, देख रहे हो आप स्टीम निकल रहा है, तो हमको ये जो पापड़ी है इसको सॉटे करना है ऑयल, गरम ऑयल के अंदर, बिस्मिल्लाह इस तरीके से आप इसको सॉटे कर लीजिए। ये सॉटे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि जो भी ये फली वाली सब्जी होती है इसमें एक पूरी टाइप की स्मेल होती है ग्रीन टाइप की, तो ये जो हम सॉटे करेंगे ऑयल में तो ये क्रंचीपन भी आ जाएगा इसका और इसके अंदर जो ग्रीन टाइप का स्मेल होती है वो पूरी चली जाएगी और टेस्ट आपका दुगना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैंने वेजिटेबल सॉटे करने रख दी हूँ और यहाँ पे दूसरा बर्तन में ऑयल स्टीम देख रहे हो आप, ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया तो हमको सबसे पहले इसमें डालनी है प्याज, बिस्मिल्लाह। आपने प्याज देखी हल्की भूरी हुई है प्याज, अब आप इसके अंदर डाल लीजिए अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसी के साथ आप ये ड्राई मसाले भी डाल लीजिए यहाँ पे और इसी के साथ आपको यहाँ साथ ही साथ आपको इसको टमेटो भी डालना है, फिर हम साथ में सब टमेटो और ये सब मसाले सॉटे करेंगे। ऑलमोस्ट हमने सारे मसाले सॉल्ट सब डाल लिए और आपको एक बात बताऊँ, ये जो आपको इसके अंदर मसाले के अंदर कलर क्या दिख रहा है एकदम रेड एकदम भड़का हुआ कलर ना, इसी वजह से आज मैंने ये पहनी हूँ क्योंकि आपको पता है मैं कभी ये पहनती नहीं हूँ पर इतना लाइट कलर पहनी हूँ और मैंने न्यू ड्रेस पहनी है तो मुझे एक भी दाग नहीं चाहिए था मेरे कपड़ों पे, मुझे इसके दाग नहीं लगने के नहीं लगना चाहिए इसीलिए मैंने आज ये पहनी हूँ। अब ये जल्दी से मेरा बन जाए तो ये उतारूँ, वजू करूँ और जल्दी से नमाज पढ़ूँ। इस तरीके से आप मसाले भूनिए, अभी ये पूरा नहीं भुना है बस ऑयल छूटना चालू हो गया है, तो पहले हम इसके अंदर डालेंगे चिकन के साथ में ही जो मैंने ये गीला नारियल और ऑनियन का पेस्ट बनाई हूँ आप ये भी डाल लीजिए इसके अंदर। अब आप अच्छे से सारे मसाले को चिकन को और जो हमने वाइट वाला पेस्ट डाले वो अच्छे से आप अभी इसको मिक्स कीजिए और अभी भी आपको इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि अब जब भूनते वक्त चिकन अपना पानी छोड़ेगा और मुझे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए
तो मैं ये जो मैंने मसाले धोकर जो इतना पानी रखी हूँ, मैं इतना ही ऐड करने वाली हूँ। और हो सके तो आप भी इतना ही डालना, आप एक्स्ट्रा पानी डाल के मत बनाइए। अगर आपके फैमिली बड़ी है तो आप दाल राइस बना लीजिए और ये वाला सूखा बना लीजिए। कलर कितना मस्त हो गया ना मम्मी। हाँ, ये देखिए अभी चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और ग्रेवी में मस्त ऑयल भी छूटने लगा है साइड में, और नीचे देखिए अच्छे से सॉटे भी हो रहा है चिकन। अब हमारी बारी आती है जो हमने ये वेजिटेबल सॉटे करके रखे हैं, अब बारी आती है इसको भूनने की, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये जब सॉटे किए तो ये गल चुका है, तो अब हमको इसको सिर्फ मसाले के अंदर अच्छे से भूनना है। देखिए अब ये आप अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, और जो मैंने आपको बताई थी कि पानी मैंने जो रखी हूँ मसाले का वो वाला पानी, अब आपको इसमें अच्छे से बिल्कुल हमारा जो मसाला लगा हुआ है ये सारा आपको इसके अंदर, बस इतना ही पानी लगेगा इसके अंदर, फिनिश। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, मसाला पानी चिकन वेजिटेबल ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसके अंदर आपको मिक्स करनी है, और फिर इसको आपको स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देना है दम की तरह। और उसके अंदर क्या होगा आपको पता है, आपका वेजिटेबल भी मसाला मिक्स हो जाएगा, चिकन भी आपका गल जाएगा, और जो मसाले में ऑयल है वो भी छूट जाएगा। तो वो एक तरीका होता है कि पहले के ज़माने के लोग हमको क्या कहते थे कि जब मसाले में तेल पूरी तरी निकल जाती है तो मतलब हमारा मसाला भी रेडी हो गया, हमारा सालन भी रेडी हो गया। तो ये देखिए अब ये पकना शुरू हो गया है, तो आप इसको लगा दीजिए ढक्कन और यहाँ कर दीजिए आँच स्लो और छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। अब मैं जा रही हूँ वज़ू करने, वज़ू करके जब तक मेरा ये हो जाएगा उसके बाद में ये बंद करके आपको इसकी शक्ल दिखा के फिर मैं जाऊँगी नमाज पढ़ने। चलिए हो गया मेरा सालन रेडी, मुझे इतना ही थिक चाहिए था, और देखो माशाल्लाह ऑयल भी अच्छे से छूट गया। अब मैं लगा रही हूँ इसको ढक्कन, बंद कर रही हूँ गैस, और चलिए बेडरूम में जा रही हूँ, वहीं पे आपको एंड कर देती हूँ। बनाना ज़रूर, क्योंकि जो रेसिपी स्पेशल होती है मैं वही आप लोगों को बताते रहती हूँ, और इसलिए ये बनाने के लिए बोलती हूँ क्योंकि कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ उसमें तैयारी करनी नहीं रहती है। स्पेशली घर की जो मसाले रहते हैं वो मसालों से ही मैं आपको रेसिपी बताते रहती हूँ, ताकि आपको कहीं जाना नहीं पड़े। और चलिए अब मेरा दुपट्टा भी बन चुका है, और आज जुमा है, आपको फिर से दिल से जुमा मुबारक। और माशाल्लाह ये मेरी बहुत फेवरेट जाने माजे, क्योंकि मैं ये मक्का से लेकर आई हूँ, तो अमीन तो नमाज पढ़कर आ गया है। चलिए मैं नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद जाऊंगी दरगाह पे, तो दरगाह पे जाऊंगी तो आपको पता है कि मेरे इंस्टाग्राम के चैनल्स पे छोटी छोटी क्लिक डालते रहती हूँ। और एक बात मैसेज छोड़ना चाहती थी आप लोगों को ये ब्लॉग के जरिए, कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे चैनल्स पे कभी आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं नहीं दिखी, तो अमीन सत्तानी चैनल्स है जो इंस्टाग्राम पे है, तो आप कभी भी मेरा अपडेट उसमें देख सकते हो। कि कुछ भी मुझे सिर्फ मैसेज छोड़ना रहेगा तो मैं इंशाल्लाह उसी चैनल के जरिए आप लोगों को मैसेज छोड़ूंगी, क्योंकि आए दिन मेरे चैनल्स पे कुछ ना कुछ कोई उंगली कर रहा है, अपडेट कुछ ना कुछ आते रहती है। तो चलिए बस दुआ में याद कीजिए, और अल्लाह पाक आज आपने जो भी दुआ की है अल्लाह उसे कबूल करे, और मुझे भी जो मैंने अभी मैं अब नमाज के बाद जो दुआ करूंगी उसे कबूल करे, हमारे गुनाहों की मगफरत दे, हमारे बुजुर्गों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में आज जो बेरोजगारी है अल्लाह उसे ख़त्म करके हम सबको रोजगार अता करे। और बस कुछ नहीं, यही दिल से दुआ है कि आप भी खुश रहे और इस ज़िंदगी में, और मैं भी हमेशा खुश रहूँ। जो परेशानियाँ मेरे सर पे आई अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि वो दूर हो, आप भी मेरे हक में ये दुआ कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh